Okay, so firstly, it's iconic gold award. What are you expecting tonight? Itni excitement hai award ke liye kya kehna chahiye? अवार्ड्स के लिए तो हमेशा एक्साइटमेंट होता ही है एंड आई एम ऑल्सो नॉमिनेटेड सो जस्ट फिंगर्स क्रॉस्ड एक्सपेक्टिंग एन अवार्ड और अगर ऐसा होता है सो आई विल बी वेरी हैप्पी ओके बिसाइड्स दैट यू नो देयर हैव बीन लॉट ऑफ बज अबाउट यू गोइंग टू अ बिग बॉस हाउस क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में आई एम नॉट गोइंग टू बिग बॉस I'm not going to propose. आपके अलावा हॉकी की भी बात की जा रही है आप हम हॉकी में दोनों ही साथ में जा सकते हैं क्या कहेंगे आई नो बैड ही क्या आप नहीं जा रहे तो मैं नहीं जा रही जा सकती हम दोनों ही बिग बॉस नहीं जा रहे हैं हम दोनों ही नहीं जा रहे आई एम सो सॉरी आई वुड नॉट लाइक टू कमेंट ऑन दिस अवार्ड की याद पहले अवार्ड की कोई मेमोरीज कोई याद नहीं आपको क्योंकि पहला अवार्ड बहुत इम्पोर्टेंट होता है लोगों के लिए हाँ पहले अवार्ड जो मुझे मिला था वो ये रिश्ता के लिए था आई थिंक इट वॉज फॉर बेस्ट पत्नी स्टार परिवार अवार्ड था एंड पहले तक आई वॉज लाइक वेरी वेरी एक्साइटेड और जब अवार्ड मिला तो मैं इतनी मुझे ऐसा लगने लगे ये अपना ही ये सब अपना ही है आई डोंट नो आई जस्ट फेल्ट लाइक होम मैं घर पे और घर पे मुझे कोई अवार्ड दे रहा है कि स्टार इज़ अ फैमिली एंड आई नो इट वाज वेरी नाइस जस्ट पता नहीं फर्स्ट अवार्ड का मुझे ऐसा कुछ वो रहा नहीं क्योंकि मुझे लगता है मुझे मेरे घर से ही कुछ बहुत स्पेशल मिला है एंड आई डोंट नो आई वाज ऑब्वियसली वेरी हैप्पी बट या आई थिंक सेकेंड अवार्ड में जब मुझे जो सेकेंड अवार्ड मिला था आई रिमेंबर मैं उसमें स्टेज पे जाके जब मुझे कुछ बोलने के लिए कहा गया था आई वाज शिवरिंग इनफैक्ट व्हाइल होल्डिंग द ट्रॉफी आल्सो माय हैंड वाज लाइक शिवरिंग द ट्रॉफी वाज हैवी बट या ये रिश्ता इज़ वेरी वेरी स्पेशल टू मी एंड हमेशा मेरे लिए ये रिश्ता इतना ही स्पेशल रहेगा जितना आज आज तो मैं बहुत खुश हूँ गोना मीट माय फ्रेंड्स काफ़ी लोग आने वाले हैं बहुत टाइम के बाद मैं उन लोगों से मिलने वाली हूँ सो आई एम वेरी हैप्पी थैंक यू ये रिश्ता क्या कहलाता है अनुपमा और आई कुटी की टीम की तरफ से शिवांगी मैं और रंजीत जी हमारे जो बिजनेस हेड है जो फाइनेंस हेड है जिनकी वजह से हमारी सब महीने का पहले का पूरा हमें रोलिंग होती है हम तीनों ने ये अवार्ड एक्सेप्ट किया विद फुल ह्यूमिलिटी एंड थैंक यू टू द एंटायर टीम ओके राजन जी मेरा सवाल आपसे है जब लोग शो को इतना प्यार देते हैं दर्शक जब शो को इतना सराहते हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी बढ़ जाती है जब इतना अच्छा अनुभव मिलता है नहीं आई थिंक एक शो का मतलब तो सफलता मिलना आई थिंक एक अच्छी टीम जब साथ में आती है तो आपका काम एक्चुअली बहुत कम हो जाता है बट अभी ये रिश्ता के भी ऑलमोस्ट 14 इयर्स हो जाएंगे और अनुपमा के भी अभी ऑलमोस्ट 1.5 साल हो जाएगा सो आई थिंक एक अच्छी टीम जब आती है तो अच्छी टीम जब मेहनत करती है अच्छी जब कास्ट होती है अच्छे लोग साथ मिलते हैं सो आपका काम बहुत कम हो जाता है ओनली एक राइट डायरेक्शन में हम लोग मूव करें एंड यू नो टू मेंटेन दैट क्वालिटी दैट लेवल इन टुडेज टाइम इज इम्पोर्टेंट जिस तरीके से सर ने बताया आप क्या कहना चाहेंगे मैम इस पर आई थिंक सर ने सब कुछ कह दिया है मुझे नहीं लगता मुझे इसमें कुछ कहने की जरूरत है ये जो काम है आप क्या कहना चाहिए आप तो करता है पूरे शो नहीं हाँ नहीं पूरा फाइनेंस और मतलब पूरे सेट की पूरी तरह से आप ही करते हैं क्या
खर्चा मेरे साइड पे एक क्रिएटिव है और एक बिजनेस हेड, क्रिएटिव एंड बिजनेस हेड के बीच में मैं हूँ। सर काफी रिस्पॉन्सिबल जॉब है आपकी, जिस तरीके से मेरे दोस्त ने बोला, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके से देखते हैं आप इस नहीं ये जब राजन सर जब साथ में होते हैं तो सब काम ईजी हो जाता है और जितनी भी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है सब इजीली निकल जाता है काम, क्योंकि जब मेंटर इतना अच्छा हो और जितना क्लियर हो उनके विजन्स तो इजी हो जाते हैं सब काम। थैंक यू गाइस, बाय। अरे सर आइए ना, संजय साहब पकड़ लीजिए ना, सामने से मोर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।